अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम बना रहे हैं चिकन वाली कढ़ाई जो टमाटरों के साथ बनती थी। सिर्फ टमाटर डालते हैं और उसमें क्या उसका नाम है, अदरक और लहसुन का पेस्ट वो डलता है। और मैं बना रहा हूँ अपनी वाइफ के साथ, थोड़ी मदद कर रहा हूँ। ये देखें, अदरक और लहसुन को मैंने कूट लिया, मैं दिखा। ये देखें, ये अदरक और लहसुन को कूट के उसका पेस्ट बना लिया। और ये चिकन है, इसको पहले ब्राउन करेंगे। तो वाइफ ने वो कर रही हैं, बर्तन धो रही हैं। अरे कुछ भी, जब कोई इंसान करना ऑफिस बंदा बना लेता है घर में, ट्रेनिंग ले रहा हूँ मैं। इसको पहले ब्राउन करना सारे चिकन को, उसके बाद क्या डालना है? अच्छा, क्या इसके बाद क्या करना है? लहसुन अदरक का जो पेस्ट है, हाँ लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है इसके बाद इसके अंदर। और अगर आपने मसाला ज़्यादा बनाना हो ना, तो टमाटरों को इसके अंदर ना कढ़ाई के डालें, उसको ग्राइंड कर लें टमाटरों को, ठीक है? और 6 टमाटर लेंगे हम, उनको ग्राइंड करेंगे जग में डाल के। और फिर ये ब्राउन होने के बाद पहले वो डालने हैं चिकन, और क्या उसका नाम है, पेस्ट डालना है अदरक लहसुन का। फिर बाद में ये टमाटरों का जो ग्राइंड किए होंगे ना टमाटर, वो डालेंगे। तो अभी मैं टमाटर ले लूँ फ्रिज से, ये टमाटर ले लूँ। 2, 3, 4 सोने, कितने टमाटर लेने हैं? 5 भरे हैं टमाटर, 5 ही काफ़ी है ना। चलें, ये टमाटर लिए हैं, अभी इनको डालूंगा। बाहर ढोलकी बज रही है, पहले टमाटरों को धो लूंगा, वो मट्टी लगी हुई है। बाहर आवाज़ आ रही होगी आपको, ढोलकी बज रही है। टमाटर धो लूँ, ऊपर से काट देना थोड़े थोड़े, फिर डालता हूँ। काटने ऊपर से कि नहीं काटने हैं? चलो फिर ये काट दो ऊपर से, मैं मसाले बना लूँगा। आपको बता रहा हूँ साथ साथ, आप भी देख लेंगे रेसिपी। अभी फर्स्ट टाइम मैं भी खाने लगा वैसे टमाटरों वाली कढ़ाई। टमाटर ले लिए, मशीन रखी है, टमाटर एक और बढ़ा लिए थे इसके अंदर, यानी टोटल 7 टमाटर कर लिए थे। 6 पहले लिए थे वाकई में। ये देखें इस साइड कैसे काटेंगे, इसमें डालेंगे। ये पहले डालूँ सारे, अभी पहले हाफ करता हूँ ना ग्राइंड, उसके बाद पूरे ग्राइंड करूँगा। अभी मैं पहले सारे ग्राइंड कर लूँ, फिर आपको बताता हूँ। ये देखें जी, पेस्ट हमारा तैयार हो गया टमाटरों का। और ये देखें, लहसुन और अदरक भी डाल दिया इसमें। और अदरक लहसुन का पेस्ट फ्रेश ही बनाए तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है, और कूट के बनाए उसका टेस्ट ही अलग होता है। और क्या उसका नाम है, अदरक लहसुन का पेस्ट, यानी 4 पीस मैंने लहसुन के ले लिए थे छोटे छोटे, यानी पूरी गड्डी नहीं, 4 पीसेस लहसुन के, और एक इतने साइज़ के, ये देखें इतने साइज़ का अदरक, उसको छील के और कूट लिया था। अभी ये बुनाई करेंगे इसकी, क्या पेस्ट डालना है इसमें? पेस्ट नहीं डालना, पेस्ट नहीं रहा जी। अभी इसकी बुनाई हल्की सी करके, अदरक लहसुन भी डाला और बुनाई करके फिर इसमें पेस्ट डालेंगे, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। और क्या करेंगे आप, क्या करना है, क्या खा के क्या करना है आपने? ये क्या, बाबा ने भी खाना है? क्यों बाबा को दें? अच्छा, आप खुद छील के दें, बाबा को नहीं आता, बाबा छोटा बेबी है, बाबा छोटा बेबी है, छोटा बेबी है बाबा, बाबा लोही कर रहे हैं तो आते छोटा बेबी को, ये कहा आपको तो आता नहीं है। चले मैं आपको ये छील के तो इसको फ्रूटर खिला लूँ। पहले जब भी पेस्ट आ रहे हैं टमाटर के, देखें इससे बन जाएगा आपका मसाला ढेर सारा। सही है, ये हो गया। अभी इसकी बुनाई करेंगे अच्छे से, अच्छे से बुनाई करनी है, ठीक है सोने? ये देखें अभी उबाल आने लग पड़े हैं, और मसाला भी देखेंगे इतना ज़्यादा है। अभी इसको कवर करके रखेंगे 10 मिनट के लिए, और 10 मिनट बाद देखेंगे देर तक। मैं हूर को बबल गम उतार दूँ, रैप उसका, हूर ने जो माल्टा वो छिलवाया तो है, खाया नहीं, कहते बाबा आप ही खाएँ, कहते क्योंकि मैंने नहाई की है ना, आज जुम्मा था तो इन्हें लगाया उनको,
तो इसलिए कहे थे मैं नहीं बाबा खाना, बुखार चढ़ बुखार हो जाएगा मुझे, तो अभी इसलिए मेरे कहीं 10 मिनट हो गए हैं, तो अभी इसको पकने दे थोड़ा सा, पानी सूख जाए फिर इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे, मीडियम फ्लेम पे रखा हुआ है अभी। आज चिकन हम इसलिए बना रहे हैं, खाला कहीं गई हुई हैं तो इसलिए हम बना रहे हैं चिकन, खाला कह गई थी मैंने इनको बना देना हम टमाटर वाली चिकन। तो पहले बनाए लगे थे पुलाव, चिकन पुलाव बना लगे थे, तो मैंने मरियम को बोला था कि वो बना दिए टमाटर वाली कढ़ाई जो है ना, तो वो बना रही हैं अभी, आटा गूंदने लगे हैं, रोटियाँ खानी है घर की बनी हुई तो आटा तो ज़रूर होना चाहिए, बाहर की रोटियाँ मल लाते हैं वो ना बाद में सख्त हो जाती हैं, खाई नहीं जाती ठंडी हो गई, तो घर की रोटियाँ वो पता है बना के रखें नरम ही रहती है, तो इसलिए अभी आटा गूंदने लगे हैं। मैं नहीं गूंदने लगा, इनमें जो है गूंदने लगे हैं, मेरी वाइफ बड़ी सैड है वैसे किसी बात से, तो हम करीब आपको बताऊँगा किस वजह से वो सैड है, तो इसलिए उनका दिल बहलाने के लिए ऐसे साथ में खड़ा होके तो मदद कर रहा हूँ, तो आप पता चल ही जाएगा आप लोगों को भी क्यों सैड थी। चिकन टूट रहा है तो मैं कौन सा चिकन को ऐसे कर रहा हूँ, मैं बस ऐसे चले। ये देखें पानी कुछ को हो गया, मसाला की भी बुनाई भी कर ली है, 3 हरी मिर्चें डाली हैं साबत काट के डाली, तो अब इसकी अच्छे से बुनाई करनी है मसाले की ना, पानी खुश्क हो गया उसका जो था, हरी मिर्ची कम से कम 5 डाले, ख़त्म हो गई है इस टाइम घर में से, तो कोई है भी नहीं सिवाय मेरे घर में, मैं इसलिए नहीं जा रहा लेने, तो और हम था उसको भेजा सामने वाले के घर तो हो गया लेने, तो देखें लग रही है यमी, पानी तो आ गया होगा ना, भूख लगी हो तो पक्का पानी आता है मुंह में, तो चलें अभी बुनाई कर लें फिर मैं आपको दिखाता हूँ। मैं हूर के साथ खेली कर रहा हूँ, हूर ने डरा रही है, ये देखें अभी वो दरवाजे के पीछे छुपी है, देखना अभी डराती है। अभी मेरी बारी है, मैं हूर को डरा देता हूँ, देखें अभी उड़ाने लग गया। अभी फिर से मेरी बारी, बस अभी बस बस जिनी आ रहा जिनी मेरे पीछे आ रहा है, चले अभी चुप कर अजान हो गई, अब मैं वीडियो बंद करता हूँ तो अजान होने लगी है। ये देखें ये 3 मिर्चें लेकर आया था और हम एक डाल दिया, यानी टोटल 4 मिर्चें डालनी है उसके अंदर, और ये हम लेकर आया था चोको चिप, एक और को दिया एक खुद खाने लगा, ये दूध में डाल के तो खाते हैं हर रोज़ हम खाते हैं, बच्चों के लिए वैसे भी ये चीज़ अच्छी है, बच्चे खा लेते हैं, मीठी होती है ऊपर से, ये देखें ऊपर से टेस्ट भी अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कैसे बनाना है, तो और भी अभी इंतज़ार करेंगे बाबा मुझे बना के दें। साथ में ये देखें चिकन हमारा हो गया माशाल्लाह रेडी, घी छोड़ दी है, ये देखें माशाल्लाह आपको देखने में यमी लग रहा होगा, अभी इसके ऊपर धनिया डालना है उसकी खूबसूरत के लिए, खूबसूरत के लिए कह रहा हूँ खूबसूरती के लिए इसके ऊपर धनिया डालना है, और फिर आपको दिखाते हैं मैं उतनी देर तक हूर के लिए चोको चिप बना लूँ। उससे पहले आपने घबराना नहीं है, सुना तो होगा आप सब ने, और इसमें अभी ये देखें इतना सा दूध डालना है बस, ठीक है इस दूध को मैं अंदर वापस रखूँ फ्रिज के, और ये जो है ना चोको चिप ये रैप के अंदर ही ना इसको स्मैश कर लिया करें हल्का सा, सुने वो चम्मच देना स्मैश कर लिया, अभी इसको मिक्स करें, थोड़ा सा दूध और डालना पड़ जाएगा, अभी वो दूध बिल्कुल ही मैंने कम डाल दिया, यानी थोड़ा हल्का सा इसको थिक बनाना है, यानी जैसे बच्चों की खीर नहीं बनाते वैसे इसको बनाना है, यानी इतना पतला भी नहीं और इतना थिक भी नहीं, ए चले जी इतना सा काफ़ी, इसको मिक्स करूँगा मिक्स, ये देखें ये मिक्स हो रहा है,
इसको मिक्स करके ऐसे स्मैश करते हैं चम्मच के साथ अच्छे से, जितनी देर तक ये मिक्स नहीं हो जाता बिल्कुल, यानी क्रीमी नहीं हो जाता। इसको मैं एक मिनट में स्मैश करके फिर बनाता हूँ आगे से वीडियो। देखें ये अभी हो गया था, ये देखें ठीक है, इतना सा सही है, छोटे बच्चे भी खा सकते हैं, यानी कि 1.5 साल का बच्चा हो जिसके रुके से दान निकले, क्योंकि इसके अंदर होता है चॉको चिप, ये देखें तो वो तो इन्ना होगा स्मैश इसके साथ। यानी ये तैयार हो गया, ये मिलता है एक 15 का मिलता है और एक 10 का और एक 5 का, छोटे बच्चे के लिए 10 वाला ठीक है। ये लें और ठीक है, किधर किधर छुप के किधर जा रही है बाबा बाबा, अच्छा मुझे ड्राइंग लेके कहते छुप के ये चल खा लें, ध्यान से ऊपर नहीं गिराना आपने। ये देखें जी धनिया से इसकी खूबसूरती भी बढ़ गई है और टेस्ट भी। तो अगर आपको ये रेसिपी और ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ जी अच्छा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और दुआ में याद रखिएगा यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करें और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर लिया करें, इससे ये है कि हमारा हौसला बढ़ता है, फिर और वीडियो बनाने का दिल करता है, वो आप करते नहीं हो, तो थैंक यू वेरी मच यार।